भिवानी में पुलिस के हाथ उस वक्त एक बड़ी सफलता लगी जब तोशाम बाईपास की तरफ से आ रहे एक वाहन से 29 पेटी अवैध देसी शराब पकड़ी गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि बाईपास के पास से देसी अवैध शराब दो युवक लेकर जाएंगे, जिसके बाद पुलिस ने तैनाती बढ़ा दी और वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इतने में जब आरोपियों का वाहन चेकिंग पॉइंट पर पहुंचा तो पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी और तलाश के दौरान शराब की पेटी मिली, जिसका कोई भी लाइसेंस आरोपी नहीं दिखा सके, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गाड़ी और शराब की पेटियों के साथ गिरफ्तार कर लिया और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। करीब 6:30 बजे ऑटो मार्केट चौक भिवानी पर मौजूद था। मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि एक बलेरो कैंपर जिसमें दो नौजवान लड़के बैठे हैं और अवैध शराब भरकर देवसर की तरफ जाएंगे। इसी सूचना के आधार पर वाहनों को चेक किया गया। दौरान वाहन चेकिंग एक बलेरो कैंपर तोशाम बाईपास की तरफ से आती हुई दिखाई दी, जिसको रुकने का इशारा किया। चालक द्वारा बलेरो कैंपर रोकने पर चालक सीट पर बैठे लड़के मनीष का नाम पता पूछा। साथ में बैठे लड़का ने अपना नाम गुरमीत बतलाया। बलेरो कैंपर को चेक करने पर 29 पेटी देसी शराब माल्टा मार्का बरामद हुई, जिसका लाइसेंस मांगने पर कोई लाइसेंस पेश नहीं कर सके। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, अभियोग अंकित किया गया, पेश अदालत किए जाएंगे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आबकारी अधिनियम के तहत एक विशेष अभियान शुरू किया गया। उस अभियान को सुचारू रूप से सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक अवैध शराब बिक्री करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक साहब के निर्देश के अनुसार उचित कार्रवाई की गई है। आम जनता से भी अनुरोध किया जाता है कि किसी भी मोहल्ला गली में यदि कोई अवैध रूप से शराब बेच रहा है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे, गुप्त नाम रखा जाएगा, सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। इसी निर्देश के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक द्वारा जो निर्देश दिया गया उसको सफल बनाने हेतु अति आवश्यक समझकर कार्य किया गया। बता दें, हरियाणा सरकार और पुलिस दोनों मिलकर नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटी है। इस मामले में कैंटर चालक मनीष और उसके साथी गुरमीत को काबू कर लिया गया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी मनीष के खिलाफ पहले भी दो मामले दर्ज हैं। अब पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी, ताकि उनसे पता लगाया जा सके कि वो ये अवैध शराब कहां से ला रहे थे और कहां डिलीवरी कर रही थी। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।